भी आपने बताया पानी में कि बाप दादा ने तुम बच्चों को कर्म की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। स्वर्ग की सौगात नहीं दी है, उल्टा पलटा मत बोलो। नई दुनिया की सौगात दी है, माने नई दुनिया का फाउंडेशन डाला गया है। नई दुनिया का जो फाउंडेशन डाला गया है उसकी सौगात तुम बच्चों को मिल गई है। हाँ, तो तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, हाँ ऐसा पूछा है। पूछा तो आपने अभी बताया कि जो सरेंडर वर्ग है वही वहाँ पे आना जाना कुछ लोग नहीं, उनमें भी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उन्हीं को पता है, दूसरों को पता नहीं है। बाकी जो पुरुषार्थी है, बाकी जो पुरुषार्थी है, हाँ जैसे घर गृहस्थ में आके पुरुषार्थ कर रहे हैं, घर गृहस्थ में से ही निकले हुए आए हुए सरेंडर हुए हैं। नहीं, जो सरेंडर नहीं हुए हैं घर गृहस्थ में आके नहीं पुरुषार्थ। अच्छा, सरेंडर हुए हैं वो भी नहीं जानते हैं, जो सरेंडर नहीं हुए हैं वो तो यस सर्वे कमा समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिनके काम विकार के संकल्प पूरे नहीं है वो गृहस्थ को छोड़ने वाले नहीं है, चार दीवारी को छोड़ने वाले नहीं है, धंधा दोरी छोड़ने वाले नहीं है। एक ही चीज मिलेगी, या तो पवित्र धाम मिलेगा या तो अवैध अपवित्र दुनिया मिलेगी। हाँ, बाबा ने क्या कहा? घरग्रस्त में रह के, लेकिन घरग्रस्त में रहने का मतलब ये है कि जैसे बाप बेहद का गृहस्थी है, घरग्रस्त में रहता है लेकिन बुद्धि उपराम है या कीचड़ में दबी हुई है। बहुत सारे पुरुषार्थी ऐसे भी हैं बाबा, ध्यान रखते हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनका भी बुद्धि उपराम हो सकता है। हाँ हाँ, तो वो आना जाना कर रहे हैं, घर गृहस्थ वाले भी आना जाना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे। जो नहीं आना जाना कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी बुद्धि काम विकार में लिप्त है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो धंधे दोरी की दुनिया छोड़ नहीं पा रहे। बाप कहता है बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, तुम्हें धंधे दोरी की दुनिया का करने का क्या मतलब है? जिसकी बुद्धि में दुनिया के धंधे दोरी नहीं छूट रहे हैं उससे पाप बनेगा या नहीं बनेगा? तो पाप से मुक्त होना चाहते जो यज्ञ में सरेंडर हो जाते हैं, जो भी कर्म करेंगे यज्ञ के लिए करेंगे या दुनिया के धंधे दोरी के लिए करेंगे तो उनके पाप बनेंगे हैं? नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा है कि सरेंडर करने के लिए, यज्ञ में सरेंडर करने के लिए बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता है। बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता है, भाइयों को करते हैं। आओ सरेंडर कर दे तुम्हें, जब तक बैल बना है, हैं? जब तक बैल बना है, हाँ, तब तक पुरुषार्थ बाबा के योग तो पुरुषार्थ नहीं हुआ हैं? यज्ञ में जाने के सरेंडर होने के, तो भाइयों की बात करो ना, बहनों की बात क्यों करें? बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता है। बैल, हाँ वो तो ठीक है, गोपाल कन्हैया गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पाल तो नहीं गाया हुआ है। तुम क्या समझते हो कि बैलों को भी चांस मिल जाए? हैं? हम ये कह रहे हैं कि बाबा ने बैलों को सरेंडर करने की अनुमति नहीं दी है। हाँ नहीं, बाबा ने कहा तुम अपने को सरेंडर समझो, सरेंडर समझ करके चलो, बाकी स्टाम्प पेपर पर लिख करके तुमको सरेंडर नहीं किया जाएगा। आज तुमको सरेंडर कर दिया जाए और कल तुम बैलपना शुरू कर दो खुलेआम बाजार, तब क्या करेंगे? बाबा यहाँ सरेंडर होते भी अगर घर गृहस्थ में रहे तो भी तो उसका प्रूफ प्रमाण तो नहीं दे सकता है कि हम जो है दे सकता है? तन मन धन समय संपर्क संबंधी सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण, जैसे बाप चलाना चाहेगा वैसे चलेंगे, तो क्यों नहीं सरेंडर है? घर गृहस्थी में है तो उसकी भी लगानी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, पड़ेगी जरूरी है। तो सरेंडर कहाँ हुआ? सरेंडर नहीं हुआ, सरेंडर एक से जब बीती हुई तो
अभी देखना आगे चल के युगलों की कैसी महिमा निकलती है। ऐसे युगल भी निकलेंगे जो घर ग्रस्त में रह करके और पूरा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। अर्जुन गृहस्थी था या भगवान के प्रति सरेंडर हो गया था? गृहस्थी था। कोई परिवार तो बाबा ऐसे है कि जहाँ पे अकेले अकेले चलते हैं, पति चलता है तो पत्नी नहीं चलती, पति चलती है तो पति नहीं चलता है, भाई चलता है तो और नहीं चलते। आगे चल के और देख लेना कौन पति कौन पत्नी। बाबा आपकी बात जो है सही है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इस तरह के बनते हैं कि लोगों को गृहस्थी कराना पड़ता है। पड़ता है पड़ता है, माने राजा है कि मजबूरी है? मजबूरी है। तो फिर राजा कैसे बनेंगे? मजबूरी जो यहाँ ब्राह्मण जीवन में मजबूर है, मजबूत नहीं है, वो राजा कैसे बनेंगे? सरेंडर हो जाएंगे, माने नाक पूरी रगड़ जाएगी तब सरेंडर हो जाएंगे, गले से ऊपर पानी चला जाएगा तब सरेंडर हो जाएंगे। बाबा हम लोग गीता पाठशाला में जाते हैं ज्ञान सुनने के लिए, गीता पाठशाला में वही जाते हैं तो घर गृहस्थी वाले होते हैं और घर गृहस्थी में इधर उधर का धंधा धंधा लगा रहता है, घर पे से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक और कहीं सरेंडर होने का तो कैसे सोचा जाता है? मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मुक्ति नहीं मिलेगी, ये पेड़ किसने पकड़ा हुआ है? अरे गिरी हस्ती का पेड़ किसने पकड़ा हुआ है? सिंगल भाई या माता अगर ज्ञान में चल रही है, सिंगल भाई या माता ज्ञान में चल रही है तो पूरे परिवार को छोड़ के तो यज्ञ में जाने से बाबा ने मना किया है कि घर की परवरिश तुमको करनी है, घर की परवरिश भी तुमको करनी है। हाँ तो बाबा सबको छुट्टी देता है क्या कि आकर के ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हो जाओ? देता है जो परवरिश कर रहे हैं। अरे पहले जवाब दो, बाबा जितने भी भाई लोग आते हैं उन सबको परमिशन दे देता है कि ईश्वरीय यज्ञ में आकर के समर्पित हो जाओ? नहीं देता। कैसे आना जाना करेंगे बताइए? कैसे आना जाना करेंगे, एक घंटे ही तो आना जाना है और क्या करना है? एक घंटे के पुरुषार्थ से क्या पुरुषार्थ हो रहा है? एक घंटे 24 घंटे कर्म करो और बाप को याद करो। कर्म योगी हो कि कर्म अलग है योग अलग है? ये बात तो आप नाम बता रहे हैं, ये बात अभी लास्ट में पता चली। अभी तक कर्म खूब करते रहे, धड़ाधड़ कर्म करते रहो, याद मत करो बिल्कुल। अभी तक इनको पता ही नहीं था। अरे गीता में कर्मयोग की बात आई है, कर्मयोगी बनो। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, हम खुद भी प्रवृत्ति मार्ग के हैं, हम निवृत्ति मार्ग के नहीं है। जब हमारा कर्म भी प्रवृत्ति मार्ग का है, कर्म भी करें और साथ में याद भी करें। और जो सरेंडर है उनके लिए जो कर्मयोग किया हुआ, हाँ वो भी करें, वो भी कर्म करें। किसी को खाना खिलाते हैं, बाप को याद करते जाएं, खाना खिलाते जाएं ताकि बुद्धि में रहे। हम व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? यज्ञ पिता की सेवा कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? अरे लो अंतर ही नहीं हुआ। ये दोनों में अंतर क्या हुआ? एक व्यक्ति की सेवा करना और एक यज्ञ पिता की सेवा करना, अंतर नहीं हुआ? घर गृहस्थी में जब हम खाना खाने बैठते हैं, खाना बनाने बैठते हैं तो हमको भी ये बात याद रखती है कि हम यज्ञ का खाते हैं, यज्ञ पिता से लेकर खाते हैं। हाँ तो जब इस बात को अब घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए तब रोते काहे के लिए? यही तो बात आज मुरली बताई, यही बात बताई। मत रो ना, यही बात बताई। ट्रस्टी होकर के रहो, ले लिया तो ले लिया, गया तो गया। अरे गोल्डन फॉरेस्ट में यज्ञ का सारा पैसा चला गया,
चला गया ना। अब वो भगवान बाप रोएगा बैठ करके क्या, हाँ यज्ञ का पैसा सारा चला गया। इसको कहते हैं कीचड़ में कमल फूल समान रहो, ये कीचड़ की दुनिया है। भले कीचड़ कीचड़ कितना भी हो लेकिन हम डूबने वाले नहीं।